विद द पैसेज ऑफ टाइम ईमान मैग्नेटाइज करता है लोगों को अपने साथ, ये तो बहुत बड़ा चेक है। ये कैसे हो सकता है बंदा ईमान वाला और लोग उसके साथ ना हो? दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट वन। शुरू में नहीं, शुरू में ईमान को बहुत रिजेक्शन मिलती है। बाद अल इस्लाम गरीब फसा यहूद गरीब, इट स्टार्टेड समथिंग इज स्ट्रेंज गरीब एंड अल्लाह सेड इट विल बिकम स्ट्रेंज वन डे। मगर कंसिस्टेंट स्टेट ईमान की ये नहीं होती कि लोग उसे मुंह ही नहीं लगा रहे होते, लोग उसे बात ही नहीं करते, लोग उसे अट्रैक्ट ही नहीं होते, लोग उसकी तरफ आते ही नहीं है। इसका मतलब है ईमान के बढ़ने की निशानी में से कि उसने स्ट्रेटेजिकली भी अपने आप को चेंज किया, उसने अपनी एरोगेंस को भी सही किया, उसने अपनी जेलिसी को भी मैनेज किया, उसने अपनी जुबान ठीक की है, उसने अपना लहजा ठीक किया, उसने अपना अखलाक ठीक किया, उसने हायर ईवल लेसर ईवल के कॉम्पोजिशंस को समझा है, वो एक्सट्रीम पोजीशंस लेने से बाहर निकला है कि तू फारग है और तू भी फारग है, या तू है इधर इट्स यू और इधर इट्स यू, मतलब मैं इस तुम्हारे साथ हूंगा तो उसके साथ नहीं हूं, उसके साथ हूंगा तो उनके साथ नहीं। He is gelling into the system, he is attracting a lot of people. ईमान कलेजा लेके आता है, वो साथ लाता है, एक्सपेंशन लाता है, बर्दाश्त लाता है, टॉलरेंस लाता है। इसका मतलब अगर लोग चिपक रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है बर्दाश्त ज्यादा है। मतलब अगर लोग दूर हैं आपसे, that means you haven't grown, neither spiritually nor physically. So having a lot of people and having a lot of nafri is a good sign. ज्यादा बेटे होने चाहिए माशा, ज्यादा आवाम होनी चाहिए आपके पीछे, सिक्योरिटी है ना आपकी। सारे मुल्कों का पाकिस्तान मतलब नेशनल लेवल पे भी लेके जाए तो पाकिस्तान की भी जजमेंट की जा सकती है कि मतलब इफ द वर्ल्ड इज मैग्नेटाइजिंग विद अस, दैट्स गुड पॉलिटिक्स, दैट मींस वी आर ग्रोइंग विद स्टफ, लोग हमारे पे यकीन करना शुरू हो गए। तो मोमिन वैसे अकेला होता है शुरू में, लेकिन इदा जा नसरुल्लाह वल फतह वराइता नस यदखुलूना फी दीनिल्लाह, ये दलील है। फतह और लोग आएंगे आपके, लोग आपके दीन में आना शुरू हो जाएंगे। This is the third check. Are you getting good people in your system? क्या आपको अच्छे लोग मिल रहे हैं या नहीं? और मीठी चीज को अट्रैक्ट करती है, कभी कभी मक्खियां आ जाती हैं उसके साथ, but that's part of life.